रुषा प्रणाली में कुछ कमियां हैं जिसके लिए पहले भी NSUI ने कांग्रेस सरकार को इन्हें ठीक करने के लिए मांग पत्र सौंपा था तथा इन कमियों को जल्द दूर करने की मांग को लेकर NSUI का प्रतिनिधिमंडल जल्द वर्तमान भाजपा सरकार व प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेगा ताकि छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत ना हो। यदि रुषा प्रणाली से बेहतर कोई शिक्षा नीति प्रदेश सरकार लाती है तो NSUI उसका स्वागत करेगा। यदि प्रदेश सरकार रुषा को खत्म कर इससे बेहतर शिक्षा प्रणाली नहीं ला पाती है तो NSUI इसका विरोध करेगी। धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट करुण शर्मा, सचिन ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि NSUI छात्र हितों की मांगों को पहले भी उठाती रही है तथा आगे भी उठाती रहेगी, चाहे प्रदेश सरकार कोई भी हो। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनावों को बहाल करने के लिए पिछली सरकार से भी मांग की थी तथा वर्तमान सरकार से भी मांग की जाएगी कि छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए। NSUI का मेंबरशिप कार्यक्रम भी जल्द शुरू होगा जिसमें कोई भी छात्र NSUI का मेंबर बन सकता है। इसके अलावा जयपुर में इंकलाब कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें 1,00,000 तक लोग आएंगे तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें डिबेट कार्यक्रम भी शामिल है। इस अवसर पर पुनीत, अनुज सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर प्रदेश में रुषा प्रणाली हटती है, हमारे प्रदेश में जो रुषा प्रणाली है उसमें जो 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 कमियां रही हैं उसमें NSUI ने उसके उसको सुधार करने के लिए कई हेजिटेशन किए हैं और उसके उसको बदलाव कराया है। अगर प्रदेश सरकार के एजेंडे में अगर रुषा प्रणाली को हटाने का ये जो मत है, अगर वो उसको हटाते हैं और एक नई बेहतरीन शिक्षा प्रणाली लेके आते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। और अगर रुषा प्रणाली में जो विधियां हैं और इसको इम्प्रूव करेंगे तब भी हम उसका स्वागत करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर? अगर नहीं करेंगे, दोनों में से कुछ नहीं करेंगे तो NSUI आंदोलन करेगी और अपनी बातों को मनवाएगी। छात्र हित में छात्रों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव, उसको लेकर के जो पूर्व में कांग्रेस सरकार रही है उन्होंने प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई है, अब नई सरकार बनी है उससे आपको क्या उम्मीद है? चाहे कांग्रेस की सरकार थी, NSUI ने उस टाइम भी उनसे डिमांड पत्र रखा था कि हमें हमारे जो छात्र संघ के जो चुनाव है वो होने चाहिए। अगर भाजपा की सरकार है हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि जो विधानसभा जो हमारे कॉलेज के छात्र संघ चुनाव है वो होने चाहिए और इसके लिए हम डिमांड रखेंगे। उसका भी हम आंदोलन करेंगे, हेजिटेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम एक मुख्यमंत्री मोदी जी से मिलेंगे और उनसे डिमांड रखेंगे कि हमारे छात्र संघ जो चुनाव है उसको बहाल किया जाए।